यस हेलो स्टूडेंट्स आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स के लिए uh, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ रिटायरमेंट ऑफ़ पार्टनर जो चैप्टर फोर है बेटा ये डिफरेंट नंबर uh, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बुक में पर टॉपिक आपका जो है रिटायरमेंट ऑफ़ पार्टनर है इसके हम फिलिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चन करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं गेनिंग रेशो इज़ कम्प्यूटेड एट द टाइम ऑफ डैश ऑफ ए पार्टनर यस yes, बताइए क्या आंसर है इसका यस आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा चलो मैं रिफ्लेक्ट कर देती हूँ इसका आंसर क्या है यस yes, इसका आंसर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर ओके बेटा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गेनिंग रेशो इक्वल टू यस गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है यस पॉज कीजिए और आंसर सोचिए आई होप इस आपने इसका आंसर सोच लिया होगा बताइए क्या रे क्या फॉर्मूला होता है इसका गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो न्यू रेशो मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन दियर डैश रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर बताइए पार्ट प्रॉफिट जो है क्रेडिट किया जाता है सभी पार्टनर्स को किस रेशो में जो है क्रेडिट होता है यस yes, पॉज कीजिए सोचिए और इसका आंसर दीजिए ये yes, बेटा आपने इसका आंसर और प्रॉफिट रेशो ही दिया होगा आई होप आपने इसका आंसर यही दिया होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रिटायरिंग डिसीज पार्टनर मस्ट बी कम्पनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम गुडविल फोर शेयर ऑफ प्रॉफिट डैश इन फेवर ऑफ कॉन्टिन्यूड पार्टनर बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका यस yes. इसका फिलअप्स बताइए बेटा यस yes. आई होप आपने इसका आंसर सेक्रीफाइस दिया होगा ओके okay. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयरिंग द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर मस्ट बी मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल अपेयर होती है और जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या रिटायर होता है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं और फिर डेबिट करते हैं किसको डेबिट करते हैं बताइए जरा किसको डेबिट करते हैं यस पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आंसर होगा इसका यस बेटा ऑल द पार्टनर्स टू बी डेबिटेड इन दियर प्रॉफिट इन दियर ओल्ड रेशो ओके आई होप आपने इसका आंसर सेम दिया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स वाई रिटायर्स एंड एंड एक्स जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द द ऑफ गेनिंग पार्टनर विल बी बताइए बेटा गेनिंग रेशो क्या होगा सिंपल है हमें फॉर्मूला पता है इसका गेनिंग रेशो का क्या होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो तो न्यू रेशो गिवन है इसमें यस न्यू रेशो गिवन है ओल्ड रेशो गिवन है तो आंसर क्या होगा टू रेशो वन होगा कैलकुलेट करके इसको कंफर्म कर लेना ओके okay, बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इज अ डैश प्रॉफिट बताइए जो रिवेल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट निकलता है वो क्या होता है कौन सा प्रॉफिट होता है वो यस आई होप आपने इसका आंसर रेवेन्यू प्रॉफिट दिया होगा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशो द इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज़ पार्टनर शेयर इज कोल्ड डैश रेशो बताइए कौन सी रेशो में लेते हैं यस गेनिंग रेशो में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अपना जो शेयर प्रॉफिट है वो उस डिसीज पार्टनर से रिटायर्ड पार्टनर से लेते हैं यस आई होप आपने इसका आंसर

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुडविल शेयर इज गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर बाय इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर बताइए क्या फिलअप होगा इसमें बेटा इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए ड्रॉप करती हूँ ओके okay. चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन एन असेट्स इज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज क्लेम टूवर्ड्स हिज कैपिटल इज बताइए क्या होगा यहाँ पर उसका कैपिटल जो है क्या होता है यस yes, रिड्यूस हो जाता है यस आई होप आपने इसका आंसर रिड्यूस दिया होगा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेड हिज कैपिटल शेयर इन इंस्टॉलमेंट ठीक है इंस्टॉलमेंट में अगर उसका शेयर देते हैं तो वो कितना परसेंट इंटरेस्ट लेने के लिए एंटाइटल है बताइए अगर कोई एप्स एग्रीमेंट नहीं होता तो ये तो हमारा वही क्वेश्चन आ गया जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन अकाउंट के टाइम पर हम बनाते थे बताइए इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट में क्या कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है येस दैट इज वॉट सिक्स पर ओके, okay, चलो आ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको कोई और टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मैं उसको ट्राई करूंगी कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकूँ ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू